बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई 2024 को अपने मंगेतर राधिका मर्चेंट संग शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। इससे पहले नीता और मुकेश ने मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पालघर क्षेत्र के 50 से अधिक वंचित जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसकी कुछ झलकियां सामने आई है। सामूहिक विवाह से सामने आई झलकियों में हम नीता को अपने पति मुकेश के साथ बैठकर मंत्रों का जाप करते हुए भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए नीता अंबानी ने रेड कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी। कथित तौर पर कार्यक्रम में वर्ली जनजाति द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक तारपा नृत्य की मेजबानी की जाएगी। झलकियों में हम उस पूरी जगह को देख सकते हैं जिसे फूलों से सजाया गया था। इसके अलावा हम वहां बैठे जोड़ों को भी देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाले जोड़ों को अंबानी परिवार की ओर से कुछ उपहार भी दिए जाएंगे, जिनमें एक मंगलसूत्र, अंगूठी और नोज रिंग शामिल है। इसके अलावा उन्हें बिछिया और पायल जैसी चांदी के आभूषण भी भेंट किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक दुल्हनों को स्त्री धन के रूप में 1 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ों को 1 साल के लिए पर्याप्त किराना और घरेलू सामान उपहार भी दिए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की 36 जरूरी चीजें और बर्तन, गैस स्टोव, मिक्सर, पंखे और साथ ही गद्दे व तकिए शामिल है। फिलहाल अंबानी परिवार द्वारा वंचित लोगों के लिए आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।